नमस्कार दोस्तों देखिए मैं कल चंडीगढ़ में था पंजाब में एक निजी कार्यक्रम में मुझे हिस्सा लेना था वहाँ पर और उस कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों से मुलाकात भी हुई और कुछ वहाँ के जो क्षेत्र के पत्रकार हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई अब चूंकि इंटरनेट वहाँ बंद था मेरी कोशिश थी कि हम वहाँ से एक लाइव करेंगे लेकिन इतनी ज़बरदस्त बारिश दोपहर बाद वहाँ पर हुई कि उसमें लाइव करना पॉसिबल नहीं रहा मैंने काफ़ी लोगों से बात की और इंटरनेट सेवाएं आज भी अभी तक भी पंजाब में अभी तक शुरू नहीं हुई हैं फिर उसके बाद हम लौट कर आ गए तो मैंने सोचा कि देखा जाए कि अमृतपाल को लेकर और खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर जो इस समय खबरें चल रही हैं खासतौर से यूट्यूबर्स किस तरीके से उसको देख रहे हैं तो मैंने देखा मैक्सिमम लोग गलत इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं शुरुआत से ही मैं इस बारे में कहता रहा हूं कि अमृतपाल सिंह को अभी अरेस्ट नहीं दिखाया गया है और पुलिस और तमाम खुफिया एजेंसियां कह रही हैं कि वो अभी भगोड़ा है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अरेस्ट है या नहीं पुलिस के कब्जे में है या केंद्रीय एजेंसियों के कब्जे में है या उसको आसाम ले जाया गया है मैंने वीडियो पहले भी बनाया था इन चीजों को लेकर कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं है और कभी भी इस तरह के मामलों में जो देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं उनमें कभी भी इतनी हल्की बात नहीं करनी चाहिए कि परिस्थितियां जो सही हैं वो भी गलत नजर आने लगे और उसका मिस दूसरे लोग करने लगे सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया जा रहा है कि उसके कुछ समर्थक हैं अमृतपाल के और शेयर कर रहे हैं तस्वीरें छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स हैं कुछ वकील लोग हैं जो उसके साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों का आरोप है कि उसे कहीं गोपनीय स्थान पर ले जाया गया है किसी को लग रहा है कि उसका एनकाउंटर किया जाने वाला है उसको मारा जाने वाला है और बड़ी संख्या में जो उसके समर्थक हैं उनकी अरेस्टिंग पूरे पंजाब में हो रही है तो इस समय जो नजर आ रहा है पंजाब में प्रत्यक्ष तौर पर वहां कोई ऐसी गलत बात नजर नहीं आई लेकिन जब हम कल चंडीगढ़ में थे तो हमें चंडीगढ़ में लगभग 12-14 किलोमीटर का एक सफर तय करना था चंडीगढ़ के एक हिस्से में जीरकपुर इलाके से हम लोगों को पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ जाना था तो हम लोग लगभग पंद्रह सोलह किलोमीटर का जो सफर था वो तय किया तो उसमें कई जगह पर हमें नाके लगे हुए मिले जाम लगे हुए मिले और कुछ जगह पर जो निहंग सिख हैं वो अमृतपाल के जो समर्थक हैं वो प्रदर्शन उनके नजर आए और कुछ स्थानों पर सड़कों पर जाम भी लगे नजर आए थोड़ा सा माहौल तो टेंस वहां पर नजर आया लेकिन फिर भी चूंकि बारिश भी हो गई उसके बाद और फिर परिस्थितियां उतनी प्रतिकूल नहीं नजर आई लेकिन वहां के जो पत्रकार हैं वहां के जो मीडिया पर्सन हैं उन सभी का ये कहना था कि देखिए यहां पर जो इस समय कार्रवाई हो रही है उसे लेकर सब लोग समझ रहे हैं कि ये कितनी गंभीर है और अगर समय रहते यह कार्रवाई नहीं की गई तो 80s और 90s में जो भिंडरा वाले का दौर यहाँ पर आया था वो कहीं पर वापस ना हो जाए लेकिन अब चूंकि इन ताकतों पर इन देश विरोधी ताकतों पर जो सिकंजा यहाँ पर पंजाब में और भारत में नजर आ रहा है उसकी प्रतिक्रिया कहां हो रही है विदेशों में हो रही है आप सब लोगों को पता ही होगा कि कल देश दुनिया भर में क्या क्या हुआ तिरंगा उतारने की कोशिश की गई है ब्रिटेन में आपको पता ही होगा आपने शायद यह खबर पढ़ी भी हो आज अखबारों में भी छपी है कि भारतीय उच्च आयोग पर एक बड़ा तिरंगा लगा हुआ है और बहुत सारे सिखों ने वहां पर प्रदर्शन किया और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को उतारने की कोशिश की इस पर भारत ने ब्रिटेन से इस मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ अभियोग चलाने को कहा है भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और स्कॉटलैंड यार्ड ने इस मामले में एक विध, एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है दूसरी ओर लंदन में भारतीय उच्चायोग की घटना के विरोध में सोमवार को चाणक्यपुरी दिल्ली में भी ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर सिख समुदाय के कई लोगों ने प्रदर्शन किया उनके हाथों में तिरंगा था और तख्तियां लिए हुए थे उन्होंने कहा कि भारत हमारा स्वाभिमान है इसके नारे लगाए और उन्होंने कहा कि अगर लंदन में हमारे राष्ट्र ध्वज का अपमान करने की कोशिश की जाएगी तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस प्रदर्शन में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे ब्रिटेन के प्रवासी समूह ने भी उस घटना का विरोध किया है जहां पर भारत का झंडा ब्रिटेन स्थित भारत के कमीशन से उतारने की कोशिश की गई ब्रिटिश सिख समुदाय के नेताओं ने एक संयुक्त बयान में यह कहा कि हर किसी को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है लेकिन भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा या धमकी देना या भारतीय ध्वज को हटाने की कोशिश करना इसे कतई भी मंजूर नहीं किया जाएगा और हमने इन सब की आलोचना की है सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में भी एक घटना हुई खालिस्तानी समर्थकों ने भारत का जो वाणिज्य दूतावास है उस पर हमला किया खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने संडे को सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला किया और इसे क्षति पहुंचाई भारतीय अमेरिकियों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है तोड़फोड़ को लेकर भारत ने सोमवार को यहां अमेरिकी दूतावास प्रभारी के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमले को लेकर फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज एफ आई आई डी एस ने कहा है जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उन्होंने कहा कि हम लंदन के साथ साथ सैन फ्रांसिस्को में भी कानून व्यवस्था की विफलता से चकित है जहां कुछ कट्टरपंथी अलगाववादियों ने भारत के राजनयिक मिशन पर हमला किया खालिस्तान समर्थक नारे लगाए और प्रदर्शनकारियों ने शहर की पुलिस द्वारा बनाए गए अस्थाई बैरियर्स जो हैं, उनको तोड़ दिया और वाणिज्य दूतावास परिसर के अंदर दो खालिस्तानी झंडे लगा दिए वाणिज्य दूतावास के कर्मियों ने जल्द ही इन झंडों को हटा दिया और इसके बाद गुस्साए प्रदर्शनकारियों का एक समूह भारतीय वाणिज्य दूतावास के परिसर में घुस गया और दरवाजे तथा खिड़कियों को क्षतिग्रस्त कर दिया ये घटनाएं छोटी छोटी घटनाएं आपको नजर आ रही हैं, लेकिन आप इससे सोच सकते हैं कि इनकी जो देश विरोधी ताकते हैं जो खालिस्तान का तथा कथित कहानी कह रही हैं, इनको कित कितना परेशानी इस समय हो रही है जब इनका एक आदमी यहां पर पुलिस के दबाव में या खुफिया एजेंसियों के दबाव में पंजाब में भी कल बड़ी कार्रवाई है पंजाब पुलिस ने छह आपराधिक मामलों में वांछित वारिस पंजाब दे के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध अपनी कार्रवाई जारी रखी और राज्य में शांति तथा कानून व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करने वाले व्यक्तियों को रोकने के लिए गिरफ्तारियां भी की अमृतपाल सिंह के चाचा व ड्राइवर ने पिछली देर रात पुलिस को रविवार की देर रात सरेंडर कर दिया उनकी गिरफ्तारी के बाद अब 114 लोग जो वारिस पंजाब इसका संगठन है अमृतपाल सिंह का उसके अब पुलिस के कब्जे में है पांच पर एनएसए लगाई गई है और एक बहुत बड़ा अभियान अभी भी चलाया जा रहा है पूरे देश भर में इन लोगों के खिलाफ कुछ लोगों के जानकारी अभी सामने आई है दिल्ली में पंजाबी बाग का निवासी है दलजीत सिंह कलसी ये वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह का प्रमुख सहयोगी और सलाहकार है और वर्तमान में पंजाब पुलिस की हिरासत में है फरार सिख चरमपंथी अमृतपाल सिंह और उसके प्रमुख सहयोगी दलजीत सिंह कलसी के पाकिस्तान से संबंध स्थापित करने के लिए कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जिसमें कलसी को कनाडा में सिख अलवावियों के साथ वैंकूवर में पाकिस्तान के महावाणिज्य दूत को भारत के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपते हुए दिखाया गया है ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बहुत सारी खबरें चल रही हैं पंजाब के इलाकों से अंबाला से एक किसान नवदीप जलबेड़ा को साथियों समेत गिरफ्तार किया गया है ये सब लोग अमृतपाल के समर्थक हैं और इन लोगों ने एक प्लानिंग बनाई थी कि जो शंभू बॉर्डर है वहां पर हम जाम लगाएंगे और अमृतपाल को रिहा करने की उसको बरामद करने की मांग उठाएंगे तो आप इन छोटी छोटी घटनाओं से मैं आपको बता सकता हूं कि इस समय पंजाब किन परिस्थितियों से गुजर रहा है पंजाब एक बार फिर से छटपटा रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार जब से वहां पर बनी है इन लोगों के तो बुलंदियों पर पहुंच गए थे हौसले और जब से अमित शाह को मारने की धमकी अमृतपाल और उसके सपोर्टर्स ने दी उसके बाद से केंद्रीय एजेंसियां इतनी एक्टिव हुई है अब भगवंत मान वहां पर खबरें छपवा रहे हैं अखबारों में कि पंजाब पुलिस केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है वरना इससे पहले तो ये हवा में उड़ रहे थे अब इन्हें अकल आई है जब अमृतपाल सिंह ने थाने में घुसकर अपने समर्थकों को छुड़ा लिया वहां से तब इन्हें अकल आई है कि इस देश के इतिहास में आ, कहीं भी पुलिस थाने पर इस तरह की हमला करना और वहां से अपने साथियों को छुड़वा लेना कितनी शर्मनाक घटना है इससे पंजाब पुलिस को भी नीचा देखना पड़ा है जबकि पंजाब पुलिस हमेशा बहुत एक्टिव और बहुत ही सॉलिड पुलिस मानी जाती रही है तो पंजाब पुलिस के अधिकारियों को अब जब छूट मिली है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका संज्ञान लिया है तो पंजाब पुलिस भी अब खुलकर काम कर रही है और ये देखिए भगवंत मान अखबारों में खबरें छपवा रहे हैं कि हम लोगों ने इनके खिलाफ अभियान चला दिया है हम लोग ये कर रहे हैं फलाना कर रहे हैं छह लोगों के जो हथियारों के लाइसेंस है वो भगवंत मान की सरकार ने वापस लिए है इसे अखबारों में छपवाया जा रहा है और पता नहीं क्या क्या ये लोग कर रहे हैं लेकिन कायदे की बात तो यही है हकीकत बात तो यही है इस पूरे प्रकरण में जो अमित शाह ने पिछले 20-25 दिन में अपनी सक्रियता दिखाई है और अपना इंटरेस्ट दिखाया है उसी के बाद ऐसा नजर आया है कि साहब अब पंजाब में जो ऑपरेशन क्लीन चल रहा है खालिस्तानियों का वो बहुत जल्द ही अपने मकाम तक पहुंचेगा और जो भी लोग इससे जरा सा भी जुड़े हुए हैं किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है सबको लंबा अंदर भेजने की प्लानिंग बनाई जा रही है तो ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट इस समय पंजाब में चल रहा है मुझे लगा कि मैं पंजाब के दौरे से लौटा हूं तो आपको इस बारे में अवगत कराऊं तो आशा करता हूं कि ये अपडेट्स और किसी यूट्यूबर के चैनल पर आपको नहीं मिले होंगे आगे भी आपसे चर्चा होती रहेगी आप जुड़े रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वरना आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे फिर बताऊंगा आपको पंजाब की कुछ और जानकारियां खालिस्तान मूवमेंट के बारे में कुछ और इंटरव्यूज में लाने वाला हूं और बहुत दिलचस्प जानकारियां आपके सामने आने वाली है अगले वीडियो में मुलाकात होती है नमस्कार नमस्कार दोस्तों मैं हूं रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो यूट्यूब चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ एंड एक चीज जरूर कहूंगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोच कर और समझदारी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं सो कंग्रेचुलेशन हर्ष जी एंड आप लोग ज़रूर देखिए लाइक कीजिए हर्ष की बात